राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने यह बात पंचायत समिति मांडल की ग्राम पंचायत बावड़ी में आयोजित प्रशासन गाँवों के संघ शिविर व महंगाई राहत कैंप के दौरान आमजन को संबोधित करते हुए कही। बावड़ी के पश्चात राजस्व मंत्री ने पीपली में भी प्रशासन गांवों के संघ शिविर व महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। कैंप में राजस्व मंत्री जाट ने लाभार्थियों से संवाद किया और गारंटी कार्ड भी वितरित किए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आमजन से आह्वान किया कि शिविर में आकर पंजीयन करवाए और राज्य सरकार की योजनाओं का हाथों हाथ लाभ उठाए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि महंगाई राहत शिविरों के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, पेयजल, सार्वजनिक निर्माण, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, पंचायती राज विभाग सहित आमजन से जुड़े विभिन्न विभागों के कार्य एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महंगाई राहत शिविरों में क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करें और योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दें। उन्होंने विभागवार योजनाओं के काउंटरों का भी अवलोकन किया और मौजूदा अधिकारियों से कहा कि वे सेवा भाव के साथ शिविर में आने वाले ग्रामीणों को सहयोग करते हुए उन्हें योजनाओं से अधिक लाभान्वित करने पर जोर दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 10 योजनाओं को जो गारंटी दी है वह महंगाई में राहत प्रदान करेगी। इस अवसर पर SDM हुक्मी चंद रोहलान या BDO संदेश पाराशर सहित स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी रहे। भाषण का माध्यम भी समझावा, अखबार भी ने एड देर भी समझावा, आपके मैसेज देर, व्हाट्सएप पर सूचना देर भी समझावा, आप जितना लोग समझो तो पड़ोसी ने